आज हम पोस्ट पे ऐप के बारे में बात करेंगे। पोस्ट पे आपका एक BNPL ऐप है भारत पे की तरफ से, और इसका यूज़ करके आप जो है पेमेंट्स कर सकते हैं किसी भी शॉप पे या फिर ऑनलाइन भी पेमेंट्स कर सकते हैं। और ये आपको एक क्रेडिट लिमिट असाइन करता है आपके पैन नंबर के बेसिस पे। जैसे ये मेरा पोस्ट पे ऐप है, इस पोस्ट पे ऐप में मेरे को 92,000 का लिमिट मिला हुआ है। अब इसमें जो है ओवरऑल 58,000 मैंने यूज़ किया हुआ है, 33,000 जो है मेरा अवेलेबल है। अब इसमें अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इसमें टोटल 23,000 जो है वो मेरा स्पेंड है इस मंथ का, और बाकी जो है मेरा एक EMI चल रही है तो EMI का अमाउंट है। ओके, तो अब मैं ओवरऑल आपको एक टूर दे देता हूँ कि यह ऐप काम किस तरह से करता है। अब देखिए, इसमें अगर आपको पेमेंट्स करना है तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस QR कोड के थ्रू आप किसी भी मर्चेंट पे आपका पेमेंट कर सकते हैं किसी मर्चेंट के QR कोड पे। इसके थ्रू पोस्ट पे ऐप के थ्रू जो पेमेंट होगा वो सिर्फ आपका भारत पे के QR कोड्स पे ही हो पाएगा, और बाकी पेटीएम और गूगल पे वाले जो आपके QR कोड्स होते हैं उस पर आप इससे पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ सर्टेन चार्जेस लगते हैं आपके पेमेंट पे, और वो चार्जेस जो हैं वो आपके ये हैं। जैसे अगर मैं 5,000 तक का अमाउंट स्पेंड करता हूँ QR कोड के थ्रू तो जो है आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। फिर 5,000 से 10,000 के बीच में स्पेंड करता हूँ तो 125 रुपये लगेगा कन्वीनियंस फीस, और 10,000 से आपका 20,000 के बीच में स्पेंड करता हूँ तो 250 रुपीज़ लगेगा। 20,000 से 30,000 के बीच में स्पेंड करता हूँ तो 500 रुपीज़ लगेगा, और 30,000+ स्पेंड करता हूँ तो एवरी 10,000 रुपीज़ पे 200 रुपीज़ मेरे एक्स्ट्रा लगेंगे, जो कि आपका जो है करीब 2% के आसपास चार्ज हो गया। और प्लस इसके अलावा जो है, अगर आप कोई भी अमाउंट को लोन अमाउंट आपका जो पेंडिंग अमाउंट है उसको आप EMI में कन्वर्ट कराएंगे तो उसके ऊपर आपका जो कॉस्ट लगता है वो 2.4% जो है वो फ्लैट इंटरेस्ट लगता है। अगर आप 6 मंथ्स पे कराते हैं, 3 मंथ्स पे कराते हैं तो 3% लगता है आपका, और पहली EMI जो है अपफ्रंट आपकी कट जाती है। फिर अगर आप कभी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसका चार्जेस जो है वो ये लगता है आपका अनबिल्ड अमाउंट पे लगता है आपका। जैसे आपने एक दिन अगर लेट हो गए तो आपके 31 रुपये लगेगा 10,000 रुपीज़ पे। फिर अगर आप जो है टोटल अगर आपके 3 दिन 4 दिन लेट हो जाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, 5 दिन तक भी कोई चार्ज नहीं लगता, 6ठे दिन से आपका चार्ज लगना शुरू होता है और चार्ज रोज का आपका बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर आपको टोटल 31 दिन हुए हैं तो 31 दिन में आपको 620 रुपये लगेंगे। फिर ये अगर आप कोई पोस्ट पे कार्ड के थ्रू रेंट के ट्रांजेक्शन्स करने चाहते हैं तो उसमें 1.5% आपका चार्ज लगता है, जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड के थ्रू रेंट पेमेंट वाला जो ऑप्शन हो गया उसके अंदर। फिर इसके अलावा जो है आपका, अगर आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते हैं इसी पोस्ट पे ऐप के थ्रू सीधे सीधे किसी भी अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, तो वहाँ पर भी आपका 2% चार्ज लगता है। तो QR कोड के थ्रू पेमेंट करने का जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया था। इसमें आपको पुराने ट्रांजेक्शन्स अपने देखने हैं तो उसको देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो किस किस अमाउंट के कहाँ कहाँ हुए हैं। इसके अलावा आप जो है अपने कार्ड के थ्रू भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं। ये जो कार्ड है इसमें आपका, जैसे आपका एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है उस तरह से आपको जो है कार्ड नंबर मिल जाएगा और उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, और उसके अंदर आप अनेबल कर सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अनेबल है, या अगर आपका POS पे आप पॉइंट ऑफ सेल पे आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, या अगर आपका कहीं NFC अनेबल्ड है तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आप कार्ड को अनेबल डिसेबल भी से बैठ के यहीं से कर सकते हैं आप। और अगर आपको किसी को जो है अकाउंट में पेमेंट करना है तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। आप यहाँ पर जो है अकाउंट, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लें, फिर यहाँ पर आप अमाउंट डाल दें, उस अमाउंट के बाद जो है आपका पेमेंट उस अकाउंट में चला जाएगा। जो ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं कार्ड पे वो आपको यहाँ दिखते रहते हैं। इसका UI जो है वो काफ़ी अच्छा है, और चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से और बड़े सिंपली एकदम से मिल जाती हैं सब कुछ, जितने भी ऑप्शंस हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि कोई थर्ड पार्टी ऐप है उसके ऊपर जो है, या वेबसाइट है उसके ऊपर अगर हम पोस्ट पे के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैं, ये रेलवायर एक वेबसाइट है उसके ऊपर मैं पेमेंट करता हूँ, इंटरनेट का रिचार्ज कराता हूँ अपना, और ये मैंने सेलेक्ट किया। ये मेरी ओवरऑल फ़ीस है 1,100 की। मैं इसमें रिचार्ज करता हूँ और हम देखते हैं हम कैसे रिचार्ज कर पाते हैं इसका यूज़ करके। मैंने यह कार्ड सेलेक्ट कर लिया, कार्ड का मेरा CVV डिटेल्स मैंने इसमें डाल दी और मैंने पेमेंट पे क्लिक कर दिया। ये सब कार्ड की डिटेल्स जो है मैंने वहीं से कॉपी करी हैं, और आप भी कॉपी करना चाहें तो ऐसे कॉपी कर सकते हैं यूजुअली। अब जो मेरा मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।